हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो आप ब्लूटूथ स्पीकर देख रहे हो, इस तरह का ब्लूटूथ स्पीकर हम मार्केट से खरीदते हैं और साल दो साल बाद ये ख़राब हो जाता है और इसको हम रिपेयरिंग नहीं करते, इसको फेंक देते हैं और दूसरा स्पीकर खरीदते हैं। लेकिन आप चाहे तो इसको रिपेयर कर सकते हो बहुत आसानी से है। और इस तरह का ब्लूटूथ स्पीकर में बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होता, मामूली फॉल्ट होता है। और उसमें जैसे इस स्पीकर को मैं देख रहा हूँ, मैंने जैसे मेरे फ्रेंड से सुना, मेरे फ्रेंड ने इसको रिपेयरिंग करने दिया, तो मेरे को लग रहा है इसमें कुछ फॉल्ट है। और मेरे को पता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फॉल्ट अब क्या है और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्पीकर को मैं चलाता हूँ ब्लूटूथ को कनेक्ट करके, ये स्पीकर 30 सेकेंड 40 सेकेंड चलने के बाद बंद हो जाता है। इसको बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये बंद होए जा रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है बैटरी में, नहीं तो स्विच में। बैटरी का एम्पियर ख़त्म हो जाता है, बैटरी चार्ज लेता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही चलता है एम्पियर डाउन होने के बाद ये बंद हो जाता है। तो चलिए इसको मैं अब दिखाता हूँ इसको कैसे ठीक करना है। देखिए, मैंने फिर इसको चलाया और ये चलने के बाद फिर बंद हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे ठीक करना है, इस तरह का स्पीकर को। और इसको मैं अब खोलने वाला हूँ और ये बार बार बंद हो रहा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, इसका स्विच और बैटरी दोनों ही खराब है। तो मैं इसको स्विच और बैटरी दोनों को चेंज करूंगा। अगर नहीं होता है तो फिर पावर सप्लाई का काम करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको अब खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब चल रहा है और बंद हो रहा है। और इसको मैं अब खोल लेता हूँ। इसमें जो पीछे पावर सप्लाई का स्विच है, और इसको मैं खोल लेता हूँ धीरे धीरे। फ्रेंड, वीडियो मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में रखा, नहीं तो आपको मैं दिखा नहीं पाऊंगा। और इसके अंदर एक बैटरी मुझे अंदर दिख रहा है जो पेंसिल सेल की तरह दिखने में है, और मेरे हिसाब से ये 18650 बैटरी है जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है। और देखते इसका सर्किट कैसा है। इसको मैं खोल लेता हूँ सर्किट को भी। देखिए, स्पीकर का सर्किट है। और मैं इस सर्किट को खोलने के बाद मैं इस बैटरी को सबसे पहले निकालूंगा। स्क्रू ड्राइवर से मैं बैटरी को निकाल लेता हूं अभी। जी, मैंने जो सोचा था वही बैटरी है, ये 18650 बैटरी है जो कि करीब 1200 mAh का है। और इस बैटरी को मैं अब चेंज कर लूंगा। और देखिए, इस बैटरी के अंदर एक पत्ती लगा हुआ है। ये जो पत्ती है, इसके अंदर कुछ IC है जो वोल्ट को रेगुलेट करता है। कभी भी आप कोई भी बैटरी चेंज करते हो तो बाजार में आपको तो इस तरह का बैटरी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सर्किट के साथ बैटरी अगर आप लेते हो, ऐसे पैक बैटरी मिलेगा जो कि रैप किया होता है, उसमें सर्किट लगा रहता है। लेकिन आप चाहे तो 18650 बैटरी को खरीद सकते हो और सर्किट को खोल लेना जैसे आप सर्किट को देखा। और इसको मैं एक बार लगा के चेक करता हूँ ये ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसको मैं एक बार ऑन कर लेता हूं, तो ये ऑन हो रहा है। अब मैं इसको सोल्डरिंग कर लूंगा और बैटरी को, नया बैटरी मैंने जो लगा रहा हूं, देखिए एक दूसरा बैटरी मैंने लगाया। और इसको अच्छे से तरीके से आपको साइड से घिस लेना है ताकि सोल्डरिंग आसानी से हो जाए। इस तरह का बैटरी में सोल्डरिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना भी होगा। इसके लिए अलग डिवाइस होता है, लेकिन हम सोल्डरिंग आयरन से ही करते हैं। और लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जैसे कंपनी का होता है, फिर भी हमें करना है तो हम ऐसे ही सोल्डरिंग आयरन से ही इसको सोल्डरिंग किया। और देखिए, इसके बीच में मैं थोड़ा सा बैटरी को चार्ज कर लेता हूँ, बिकॉज ये नया बैटरी है, इसमें चार्ज शायद नहीं, ज़्यादा नहीं होगा। और चार्ज करने के बीच में मैं इसके अंदर एक स्विच लगा लेता हूँ। इसके अंदर एक जो बैंड स्विच है, बैंड स्विच मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। और जो फ्रेंड मुझे दिया है वो, उनको अभी ही चाहिए, कह रहे भैया मेरे को अभी बना के दो। तो मैं इसको थोड़ा जुगाड़ करके दे रहा हूँ। मेरे पास एक नॉर्मल ऑन ऑफ स्विच है, उसको मैं इसको कट के लगा दिया।
शायद उतना दिखने में फिनिशिंग नहीं होगा, पुराना चीज अगर हो जाता है तो उतना फिनिशिंग का ध्यान नहीं देना है, साउंड और चीज चलने वाला होना चाहिए। और देखिए मैंने बैंड स्विच की जगह में जो नॉर्मल स्विच है, ऑन ऑफ स्विच है, उसको मैं बैंड स्विच के साथ ही कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट, और बैटरी को मैं सेलो टेप से रैप कर देता हूँ अच्छे तरीके से ताकि कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपके पास लेके आऊं। और मैं देखिए अब किट को लगाने वाला हूं, और इसके बाद इसके जो स्विचेस है इसके ऊपर एक प्लास्टिक का नॉब का सेट होता है उसको भी मैं लगा लिया और इसको मैं फिट कर देता हूँ, और मेरा काम हो चुका है लगभग। और बैटरी को मैं ग्लू गन से दोबारा अंदर इंस्टॉल कर देता हूँ, और मैं थोड़ा सा ग्लू लगा लेता हूँ इसके अंदर। ग्लू लगा लिया, मैं इसको अब अंदर डाल दूंगा इस ट्वीजर के मदद से। इस तरह का जो ब्लूटूथ स्पीकर है मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम स्विच में बैटरी में ही प्रॉब्लम आता है, मैं अभी चेक करूंगा, मेरे हिसाब से यही प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम हो भी सकता है इसका पावर सप्लाई में कोई आईसी गया तो फिर मुश्किल है, इस तरह का आईसी मार्केट में नहीं मिलता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है इसमें स्विच और बैटरी ही खराब था तो मैंने दोनों ही चेंज कर दिया, मैंने एक एक करके चेंज करूंगा, उतना टेंशन मुझे लेना नहीं था। और देखिए मैंने इसको ऑन किया और मैं आपको टेस्ट करके Analog, दिखाता हूँ इसको only चला for के, music world. और देखिए मैं Bluetooth mic. इसको एनसीएस म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए, और देखिए ये कैसे चल रहा है, अब ये बंद भी नहीं हो रहा है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट मोड में रखा और अलग अलग म्यूजिक भी प्ले करके देखा, काफ़ी अच्छा चल रहा है, और मेरे हिसाब से बैटरी को एक आध घंटा चार्ज करने के बाद ये और अच्छा चलेगा, और देखिए ये ठीक ठाक चल रहा है। देखिए दोनों स्पीकर ही चल रहे हैं और सही काम कर रहा है, बस इस काम में एक कमी रहेगा, मैं स्विच जो मेरे पास नहीं था, मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर ये स्विच मैंने जुगाड़ करके लगाया, शायद मेरे पास बैंड स्विच होता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन फिलहाल मेरे दोस्त को तो अभी चाहिए तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो सामान मेरे पास है उसी हिसाब से मैं करके दूंगा। अभी भी लॉकडाउन का इफेक्ट चल रहा है मार्केट में, हर तरह का सामान नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं तक ही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल पसंद आया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। Analog, welcome to our music world. Bluetooth mode.